आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में और कस्टम फॉर्मेटिंग के रिलेटेड हम चीजें आपको हम बताएंगे कि कैसे यूज किया जाता है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने आपको लास्ट में कुछ चीजें बताई थी लास्ट क्लासेस में, आज हम एक आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल जो मैंने आपको भेजा था, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट, इसके बारे में समझिए। जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा और आप चाहते हैं कि इस नंबर्स के आगे या पीछे प्रीफिक्स लगे, प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ लगाना चाहते हैं, तो हमने बताया था आपको कि यहाँ कस्टम पे आप जाइए, इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखना है वो लिख दीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिया, मान लीजिए हमने दिया एमआरपी, ये एमआरपी दिखेगा, नंबर नहीं दिखेगा, राइट। अगर माइनस में अगर हमने कुछ लिखा तो यहाँ पे माइनस एमआरपी दिखेगा। तो इसी में यही क्या हुआ कि पहले पोजीशन पे आपका पॉजिटिव होता है, दूसरे पोजीशन पे निगेटिव होता है। तो अगर मैं सिंगल कोड लगाऊं और यहां पे दे दूं DISS डिस्काउंट, तो जहां निगेटिव है वहां पे डिस्काउंट शो करेगा, समझे। और वापस तीसरा क्या है, तीसरा जीरो है, तो जीरो के लिए हम यहां पे कर देते, यहां पे लिख देते हैं फ्री। अगर मैं यहां पे जीरो लिख रहा हूं तो फ्री दिखेगा, जीरो की जगह पे फ्री दिखाएगा। और चौथा है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की जगह पे अगर हो गया यहां पे डेटा नॉट अपडेट, और किसी ने यहां पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया तो DNU डेटा नॉट अपडेट दिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कस्टम फॉर्मेटिंग लगाते हो तो उसके चार साइड टेक्स्ट है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा जीरो और चौथा टेक्स्ट, यही आर्टिकल में बताया होगा, समझे। तो यहां पे इसकी आप बोलेंगे सर इसमें फिगर इसका नहीं आ रहा, तो यहां पे देखा आपने एग्जांपल दिया हुआ है हैश लगा के, तो नंबर तभी दिखेगा जब इसके आगे जीरो या फिर आप लगाएंगे। और कैरेक्टर के लिए लगाएंगे आप एट द रेट, याद रखिएगा कैरेक्टर के लिए क्या लगाएंगे, एट द रेट, क्लियर है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, तो चलिए इसके लिए बेनिफिट के लिए डेटा बनाते हैं। इस केस में हम हैश यूज नहीं कर सकते, जैसे एमआरपी डिस्काउंट के लिए आपने जीरो यूज किया। हैश यूज कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हैश या जीरो, जीरो करने पे जीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें जीरो था ना सर, तो हैश करता तो फ्री नहीं ना आता, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ नहीं आता। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अब मेरे पास इसी तरह का एक डेटा है, दिसंबर का डेटा है मान लीजिए, और यहाँ पे मेरे पास जो अटेंडेंस है, लेकिन अटेंडेंस हमने बायोमेट्रिक निकाला हुआ, क्या निकाला हुआ है, बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक मतलब कि जो आप ऑफिस में जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपना थंब इंप्रेशन देते हैं, कुछ लोग कुछ का ऑफिस में कार्ड स्वैपिंग होता है ना, तो यहाँ पे हमारे स्टाफ का आया हुआ है कि किसने अपने थंब या अपने कार्ड को कितना बार स्वैप किया है। जिस समय जीरो आ रहा है इसका मतलब है कि उसने उस दिन किसी भी तरह का कार्ड स्वैपिंग या बायोमेट्रिक का यूज नहीं किया, मतलब कि उस दिन वो एब्सेंट माना जाएगा। मुझे सेम डेटा प्रिंट आउट निकाल के अपने एचआर या किसी को देना है, प्रिंट आउट निकाल के देना, लेकिन मैं यहाँ प्रेजेंट और एब्सेंट चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जीरो जो है वो प्रेजेंट हो जाए, सॉरी नंबर जो कोई भी नंबर पॉजिटिव में जो नंबर है वो नंबर हमारा पीस हो जाए और जीरो जो है हो जाए। तो फॉर्मेट सेल पे आएंगे और यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे हम देंगे पी, राइट,
क्योंकि पॉजिटिव के लिए पी होता है, अब निगेटिव तो इसलिए नहीं, तो निगेटिव के लिए स्किप कर देता हूँ, मैं कुछ ही डालता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और जीरो मैं ए डाल देता हूँ, और टैक्स देने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है? आ गया पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो आपने जैसे पॉजिटिव नेगेटिव देन जीरो ऐसे सीक्वेंस लगा रहे हैं ना, अगर हम सिर्फ पॉजिटिव और ने तो सीक्वेंस में ही बीच को लगाना तो पड़ेगा, बीच आपको नहीं अच्छा चाहिए तो उस जगह पे ब्लैंक छोड़ दीजिए, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक, अगर बीच में कुछ नहीं है तो फिर कोलन डाल के छोड़ देने का। जी क्या बोलना? अगर बीच का अगर वो नेगेटिव और जीरो अगर नहीं चाहिए सिर्फ अपने को स्टार्टिंग वाला पॉजिटिव और टेक्स्ट ही चाहिए तो बीच में सिर्फ कोलन डाल के रख देने का। हाँ ठीक है, हाँ आगे बढ़े। अब ये हो गए, अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक में हम बात करते हैं, वापस चलते हैं हम आर्टिकल में। अब हम एट द रेट टेक्स के बारे में, हमने आपको जीरो के बारे में एक्सप्लेन किया, हमने आपको हैश के बारे में एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको टेक्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कंपनी नेम लिख रहा हूँ और कंपनी नेम में बराबर m/s लगाना पड़ता है, मैसेज होता है ना, मैं चाहता हूँ कंपनी में ऑटोमेटिकली ये लग के आ जाए, तो कस्टम में मैं इन्वर्टेड कॉमा में m/s लगा दूंगा, उसके बाद एट द रेट दे दूंगा। देखिए क्योंकि नंबर होता है तो जीरो या हैश दिया जाता है, टेक्स्ट में हम एट द रेट दे देंगे, तो यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी का नाम लिखूंगा ऑटोमेटिक और m/s कर देगा, ठीक है सर? इसमें सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं और टेक्स्ट नहीं, सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत तब पड़ती है जब एक से ज्यादा नंबर्स को हम रखते हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव को आइडेंटिफाई करना होता है तब। अच्छा, सेल में अगर हमें दोनों चीज चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए नेगेटिव भी चाहिए, तो इसलिए हमें दोनों चीज डालनी पड़ेगी सीक्वेंस में। हाँ सही सही सुधा, ठीक है सर। बने अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिया जीरो, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ, तो एड्रेस में मेरा क्या है कि एरिया एक ही है, तो हर बार एरिया वगैरह डालना पड़ता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एट द रेट और यहाँ पे दिया जैसे कि दक्षिण पूरी न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे सिर्फ डालूंगा B412, एंटर मारते ही दक्षिण पूरी न्यू दिल्ली 62 ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट? एक और काम हम लोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट डाला तो कुछ एरिया जगह खाली रह गया ना, जैसे चेक वगैरह में होता है ना, तो चेक की प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया था वहां पे मैंने इसका यूज किया था, मैंने यहाँ पे एट द रेट और दो बार स्टार दे दिया था, तो जितना बाकी जगह था सब पे ये स्टार आ गया। अगर मैं कॉलम बड़ा करता हूँ तो स्टार हमारे बढ़ जाते हैं, कॉलम छोटा करता हूँ तो स्टार हमारे घट जाते हैं। अगर स्टार की जगह, अगर एक बार स्टार देंगे तो नहीं, ये आपका चेक की जो लाइक कमांड होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है, एक बार स्टार देगा, इसके आगे कोई कौन सा करेक्टर ना, मैं डैश शो करना है तो एक स्टार के बाद डैश दे दूंगा तो डैश आ जाएगा, ठीक है? एक चीज और भी होती है, जैसे हम लोग मोस्टली अमाउंट लिखते हैं तो टाइप करते हैं तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे मैंने दे दिया 0.00 और हमने यहाँ पे स्लैश दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा में लगेगा, हमने यहाँ पे 1500 लिखता हूँ या 1520 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक आ जा रहा है।
इस पे कैलकुलेटर अगर कुछ जाएगा क्या? ना, इसी पे मन कैलकुलेशन हो सकता है, राइट? हाँ, ये तो विजुअल है अगर ना, सिर्फ विजुअल है। कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज इसलिए होता है ताकि हम कैलकुलेशन कर सके, क्योंकि फॉर्मेटिंग जस्ट उसकी विजुअल को चेंज करती है, ओरिजिनल को चेंज नहीं करती है। ओरिजिनल आपको जो टाइप करते हैं वही रहता है, ठीक है? जी तो ये अब बात यहां पे ब्लू रेड वगैरह तक कलर, तो जैसे कि आप जैसे नेगेटिव को या पॉजिटिव को कलर करना चाहते हैं, उस केस में आप यहाँ पे कलर भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ डिस्काउंट को रेड करना चाहता हूँ, तो मैं डिस्काउंट से पहले लिखूंगा रेड, वो भी कर्ली ब्रैकेट में हो गया। रेड, ग्रीन, ब्लू, श्याम, मजंटा, ऐसे कलरिंग दे सकते हो। आगे बताऊंगा कलरिंग के बारे में। उसके बाद अभी जो आपने बताया कि हम कुछ भी टाइप करते हैं उसमें इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं, लेकिन इतने सारे सिंबल्स पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? हैश और जीरो का फंडा समझाई दिया, और ये सब चीजें तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया ही था कि क्या डालेंगे तो क्या होगा। थाउजेंड सेपरेटर के बारे में जान लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 25,000 डालना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अमाउंट इन थाउजेंड में हो, तो यहाँ पे हम जाएंगे और कस्टम में आएंगे और जस्ट यहाँ पे दे देंगे हैश और एक कॉमा, ठीक है? 2.5 आ गया ना। मैं यहाँ पे 30 डालूंगा तो 30,000 डालूंगा तो 30 आएगा सिर्फ, तो ये चीज बता रहा है। दूसरा, अगर मुझे अमाउंट इन लाख में करना है, इसलिए करोड़ से माफ कीजिएगा, 10 लाख में, तो यहां पे हमें क्या करना है, 0.00 एंड डबल कॉमा। तो देखिए, बार ये आपका आ गया 12 करोड़ 20 लाख, ठीक है? ऐसे आपके एक कलर है, बताया था हमने आपको कि ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मेजेंटा, शार्क एंड रेड, येल्लो, ऐसे कलर का यूज कर सकते हो। लेकिन आप चाहो तो कलर को एज ए कंडीशन के ऊपर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूं कि ग्रेटर देन 100 आए तो ग्रीन हो जाए, लेस देन 100 आए तो ब्लू हो जाए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे दिया कि रेड अगर ग्रेटर देन 100 है तो रेड, लेस देन 100 है तो नहीं, लेस देन 100 है तो रेड, ग्रेटर देन 100 है तो ब्लू। तो हमने कलर कंडीशन सेमी कॉलन कलर कंडीशंस डाला। है कंडीशन कलर, लेकिन इसमें आपको और ज्यादा इफेक्टिव चाहिए तो आप हम यहां पे कंडीशन फॉर्मेटिंग जो कि हमारा अगला टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। और यहां पे ये देखिए, इतने सारे शॉर्टकट हैं। जैसे कि इस तरह के करेक्टर चाहिए तो ऐसे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं नंबर कीबोर्ड से। जैसे मुझे Alt 0 1 6 3 डालूंगा, Alt 0 1 6 3 डाल के अल्ट को छोड़ूंगा तो आप देखेंगे, आप अल्ट प्रेस रखिए और 0 1 6 3 डालिए, जो अल्ट को छोड़िए तो इस तरह का करेक्टर टाइप हो जाए, क्योंकि ऐसे करेक्टर तो सिर्फ कीबोर्ड में है नहीं, ठीक है? और लास्ट में आता है डेट का फॉर्मेट। देखिए, डेट में M फॉर मंथ होता है, D फॉर डे होता है एंड Y फॉर ईयर होता है। जैसे कि अगर मैं एक एम डाल दिया तो ये आपका सिर्फ मंथ दिखेगा 1 2 3 4 के फॉर्मेट में। अगर 2 एम डाल दिया तो 0 1 2 3 के फॉर्मेट में दिखेगा। 3 एम डाला तो दिसंबर जनवरी, शॉर्ट नेम में दिसंबर, जनवरी का जैन, दिसंबर का DIS दिखेगा। और आपका 4 एम डाल दिया तो जनवरी टू दिसंबर दिखेगा। 5 डालोगे एम तो सिर्फ फर्स्ट लेटर ऑफ द मंथ दिखेगा। ऐसे डे का है और ऐसे आपका ईयर का है। तो इसको आप अपने हिसाब से डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं डेट लिख दिया, अब इस पे मैं अपने हिसाब से कस्टम में जाके अपना
अपनी डेट की फॉर्मेट यूज कर सकता हूँ। इसमें लिख दिया 3 बार DD, 4 बार DD कॉमा LLM, एक वापस DD, DD LLM 3 बार। ऐसे डेट मैं MMDD YY डाल के बना सकता हूँ। ऐसे टाइम HH MMSS होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैंने 35 घंटे 40 मिनट दे रखा है, मुझे इसको टाइम में, इसमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट कर्ली ब्रैकेट में M लिख दीजिए, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कर्ली ब्रैकेट में S दे दीजिए, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब बात आती है होमवर्क की। तो होमवर्क में हम आपके साथ आज बोल रहे हैं कि मुझे आप आर्टिकल को दोबारा से स्टडी कीजिए और एग्जाम्पल जैसे बताया उसको फॉलो कीजिए, और साथ में मुझे तकरीबन 20 कस्टम फॉर्मेटिंग के एग्जाम्पल बना के दीजिए जो मैंने अपने क्लास में यूज ना किया है, ठीक है। 20 कस्टम फॉर्मेटिंग के एग्जाम्पल आपको बना के भेजने हैं,